तो हाय फ्रेंड्स, ये हमारे पास महिंद्रा का स्कॉर्पियो गाड़ी है और इसमें कस्टमर का कंसर्न था कि हमारा स्पीड किलोमीटर नहीं चल रहा है। तो इस फॉल्ट को अगर अपन टेस्ट करेंगे और क्लियर भी करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना फ्रेंड्स। तो मैं आपको फॉल्ट दिखाता हूँ और फॉल्ट को टेस्ट करेंगे और क्लियर भी करेंगे तो जैसा देख रहे हैं मैं गाड़ी इग्निशन ऑन किया हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। अभी देखेंगे न्यूट्रल पोजीशन में है गाड़ी, गियर में था सॉरी। अभी मैं गियर डालता हूँ और जैसा छोड़ूंगा इसको तो मेरा गाड़ी गियर पोजीशन में है। लेकिन और यहाँ देखेंगे तो स्पीड किलोमीटर नहीं चल रहा है। तो जैसा देख रहे हैं मैं एक्सेलेरेटर दे रहा था, हमारा जो स्पीड किलोमीटर है वो चल नहीं रहा था। तो इस फॉल्ट को टेस्ट करने के लिए अपने को स्कैनर के थ्रू स्कैन पहले करेंगे, स्कैन में देखते क्या TDC आता है। तो हमारा गाड़ी गियर में, इसको न्यूट्रल करता हूँ, देख रहे मैं स्कैन कर रहा हूँ और मेरा स्कॉर्पियो गाड़ी है और S8 है। और सिस्टम सिलेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और इंजन मैनेजमेंट सिस्टम रीड फॉल्ट कोड देखता हूँ। तो जैसा देखेंगे हमारे तीन फॉल्ट आ रहा है, एम्बुलाइजर नोट परसेंट इन व्हीकल और एम्बुलाइजर एंटीना और सेंसर सप्लाई। तो इसको सबसे पहले अपन लाइव डेटा सेलेक्ट करके चेक कर। तो मैं सबसे पहले लाइव डेटा सेलेक्ट करता हूँ और इसके बिल स्पीड के रिलेटेड डेटा सेलेक्ट करता हूँ, जो बिल स्पीड के रिलेटेड डेटा हैं तो उसको मैं सेलेक्ट करके फिर देख। तो जैसा मैं दो डेटा सेलेक्ट किया हूँ, गियर नंबर और व्हीकल स्पीड। तो इधर मेरा गाड़ी स्टार्ट है और गियर में भी था, तो गाड़ी को मैं गियर में वापस डालता हूँ और डेटा मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो देखेंगे गियर नंबर और व्हीकल स्पीड। तो जैसा मैं फर्स्ट गियर डाला तो वहाँ पे एक नंबर शो करना चाहिए और व्हीकल स्पीड जो है हमारा तो उसमें शो करना चाहिए कि इतने की स्पीड में आपका बिल घूम रहा है। तो मेरे को इसमें वायरिंग में फॉल्ट लग रहा है, तो सबसे पहले अपन वायरिंग चेक करते। तो मैं फ्रेंड्स आपको वायरिंग चेक करके बताता हूँ। उसमें मैं गाड़ी के नीचे आ गया हूँ और इधर से आपको दिखाना चाहूँगा। तो हमारा सेंसर यहाँ पर लगा है और इसका सॉकेट है, तो तीन वायर का है। इसमें मैं वोल्टेज चेक करके बताता हूँ कि कौन से वायर में कितना वोल्ट आता है। तो ये सॉकेट का कपलर है, तो जैसा देखेंगे हमारा जो येलो और नीला वायर है इसमें 5 वोल्टेज इग्निशन पे करंट आता है। और जो इधर नीला और वाइट वायर है इसमें बॉडी ग्राउंड आता है, जो डायरेक्ट बॉडी ग्राउंड रहता है। और जो तीसरा है वो येलो और ब्लैक वायर, तो उसमें ACM में जाता है और ACM से होके क्लस्टर मीटर में जाता है। तो इसको मैं मल्टीमीटर के थ्रू आपको चेक करके बताता हूँ। जो तो जैसा देखेंगे मैं एक नंबर पिन में लगा दिया हूँ और वो पिन का नंबर कलर था, कलर कोड वाइट और येल्लो और नीला, तो उसमें मैं लगा दिया। उसमें 5 वोल्ट आना चाहिए, तो 5 वोल्ट मेरा कम्प्लीट आ रहा है। अभी दूसरा वाला वायर चेक करते हैं, जो नीला वायर था, तो उसमें देखता हूँ 12 बोल्ट ग्राउंड आ रहा है या नहीं। तो उसमें 12 बोल्ट ग्राउंड आना चाहिए, तो मैं उसमें पहले तीसरे नंबर पिन में लगाता हूँ वायर और देखेंगे। तो फाइनली हमारा जितना बैटरी वोल्टेज है वो हमारा बैटरी वोल्टेज शो कर रहा है, वो ग्राउंड आता है, जो भी ACM से ही ग्राउंड आता है। तो हमारा ग्राउंड भी कंप्लीट है। और जो तीसरा वायर था वो डायरेक्ट ACM में जाता है और ACM से अपने क्लस्टर मीटर में जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सेंसर है वो सेंसर का फॉल्ट लग रहा है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स सेंसर को, ये हमारा सेंसर है, इसको मैं चेंज करता हूँ, फिर चेंज करके देखते हैं हमारा स्पीड निकल नहीं रहा है। तो देख रहे हैं जैसा मेरा सेंसर निकल गया है और ये सेंसर में मेरे को फॉल्ट लगा। तो सेम सेंसर एक मैं रखा हूँ, ये देख रहे हैं ये हमारा जूना सेंसर है और ये मैं दूसरा सेंसर लगाता हूँ इसमें। ये हमारा सॉकेट है और इधर देखेंगे तो मैं टायर को ऊपर करके रखा हूँ जो चेक करने के लिए,
अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करता हूँ। तो हमारा इग्निशन चालू ही था, गाड़ी को न्यूट्रल कर लेते हैं और स्टार्ट करता हूँ। और अब गाड़ी को गियर में डाल के तो देखेंगे फाइनली हमारा स्पीड किलोमीटर चलने लगा। तो मैं इसको टॉप गियर में पहले डालता हूँ एक बार और अब देखता हूँ। तो हमारा स्पीड किलोमीटर सेंसर चलने लगा है। तो जो फॉल्ट था वो हमारे सेंसर में था, आपको वायरिंग भी चेक करने को बताया और सेंसर में फॉल्ट था। और यहाँ पे देख रहे हैं कि चेक इंजन का लाइट भी नहीं आ रहा था अपना। तो टॉप गियर में बता रहा है मेरा और गाड़ी की टॉप गियर में है पाँचवें नंबर पे। और व्हीकल स्पीड देखेंगे तो हमारा बराबर बता रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग को फॉल्ट समझ में आया होगा, मैं बताया कौन से बार में कितना वो वोल्टेज आना चाहिए, तो आप लोग को मालूम चल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।